पूजा यहाँ आपको एक मिनट रोकूंगी। इस वक्त ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। और उसकी मां पिछले चार दिन से रिजवान के ताल्लुक से बेचैन है। हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया, ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है? आप गैर जरूरी कि उसको पकड़ कर लेकर गए? 8 साल का लड़का क्या, इन्हें क्या जुल्म है ये? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहां गया आपका सेक्युलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेक्युलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर को उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। एक 8 साल के बच्चे को उसकी मां से खींच कर रखना, उससे जुदा कर देना, ये इंसानियत नहीं है, जुल्म है ये। सिवान हिंसा के बाद की सर, तो आपको क्या लगता है फिर कौन लोग हैं इसके पीछे? अरे वो तो वीडियो है, वीडियो दिखाया गया है, पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो है जो वहां के लोकल केबल ने दिखाया कि मोटरसाइकिल तोड़ी जा रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कौन है वो लोग? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़िए उनको। मगर एक 8 साल का लड़का रिजवान बेचारे, एक 8 साल के लड़के को आप उसकी मां से जुदा कर दिए, ये कौन सी आपकी सरकार है? कौन सी आप इंसानियत है? कहे का गवर्नेंस हो रहा है वहां पर? सर कल आपने ज्ञानवापी पे बड़ी अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन आज मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोर्ट रूलिंग ऑन ज्ञानवापी डिस्पाइट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विल लीड टू रबल राउजिंग एंड क्रिएट अ कम्युनल एटमोस्फियर विच आयरोनिकली प्लेस इन टू बीजेपी एजेंडा। इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर दैट कोर्ट्स डोंट फॉलो देयर ओन रूलिंग्स। बड़ी एक बात कही है, कोर्ट्स आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन रूलिंग्स। मैं जो कल कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूं। अब कोई और क्या कह रहा है उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। मुफ्ती साहिबा ने एक और बात कही है सर, उन्होंने इशारों में बोला कि गुलाम नबी आजाद जो है बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब वो कौन बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है नहीं मालूम, मगर ये बात तो सच है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी ना सर पास्ट में। हाँ हम देखिए, ऐसा है ना कि जब नहीं है तो दूध के धुले हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम है वो। सर सेंट्रल विस्टा बनाया गया, इतना बढ़िया से उसका उद्घाटन हुआ, इतना अच्छा काम हो रहा है, आप लोगों ने बीच में एक आप और तेलंगाना सरकार ने बीच में ये कौन सा नया पैंतरा है सर कि बिल्डिंग का नाम ये रखा जाए वो रखा जाए? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको इस तरह सवाल करना पड़ रहा है कि पैंतरा क्या है ये। भाई जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको, उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो संविधान, जो पार्लियामेंट चलती है ना, तो वो तो संविधान से ही चलती है। वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है, तो वहां पर उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम, हम सीएम से ये अपील करते हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को। नहीं, आपको तकलीफ क्या है अम्बेडकर के नाम से? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं सर, नाम से तकलीफ नहीं है,
आप कई मसलों पे नाम चेंज करने, रास्ते का नाम चेंज करना, इसका नाम यहां चेंज करने पे आप मुखालफत करते रहे, तो ये नाम की राजनीति करने का ना, ना, क्या है? देखिए, नाम चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नाम रखा जा रहा है। नाम चेंज किसका हो रहा है? नाम तो है ही नहीं वहां पर। भारत की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है, जिसका प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी डाले और ऊपर भी जाकर उन्होंने तस्वीर भी ली, तो बिल्डिंग का नाम रखने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ में सर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मालवा का दौरा कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, उनका सवाल किया जाता है सब हिंदुत्व के ऊपर, तो उनका जवाब था कि क्या हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? सब हिंदुत्व पे सवाल था, कांग्रेस के सब हिंदुत्व पे बोलते हैं कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा, आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, मैं कमलनाथ साहब की सच्चाई की तारीफ करता हूं। उन्होंने ये कहकर बतला दिया कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं, तो अच्छा हुआ ना कि दिल की बात जो छुपी हुई थी उनके जबान पे आ ही गई। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप, तो उन्होंने बोल ही दिए, वो इकरार कर लिए कि वो उनकी पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो जिसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था उस पर वो चलते हैं। सर, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बदस्तूर जारी है, आप लोगों के विरोध और ऐतराज के बावजूद ठीक उसी तरह। तो बिहार के सिवान में जिस तरीके से एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई, उसे लेकर नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।